चंदा मामा सोगे सूरज चाचू जागे। अरे भैया भैया अरे इतना क्या की पक रहे हो? अरे भैया ये खत पढ़ दीजिए हमारा। क्या करना है? पढ़ना है। बिरयानी खाई थी कल? खाना नहीं है, पढ़ना है। स्वादिष्ट लगी? स्वादिष्ट नहीं लगी, पढ़ना है। खाने बोलना है? खाने नहीं बोलना है, पढ़ना है। क्या करना है? अरे भैया पढ़ दीजिए भैया। अरे लगता है ये गांव में कोई नया आया है, इसे पढ़ना आता होगा। सर सर ये खत हमारा पढ़ दीजिए। तो क्या पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। पढ़ना है? हाँ पढ़ना है। अरे दूर रहिए। नहीं नहीं हो क्या? वो तो हम तीन दिन से नहीं ना, यहाँ तो साबुन की कमी चल रही है ना। हाँ हाँ दूर बैठिए। इसको कैसे बता, हमको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता। अरे आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम सिग्नल ढूंढ रहे हैं। इसमें भी सिग्नल होता है क्या? आता है। दिखाइए तो कहाँ आता है? अरे आता है, मैं बोला ना। सीधा सीधा बताइए ना, पढ़ने नहीं आता है। सीधे सीधे पढ़ने नहीं आता। जाइए ना, कहे हमारे टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अरे भैया ये हमारा खत पढ़ दीजिए ना। क्या? ये जो सुबह खत दिया था ना उसे पढ़ दीजिए। अब तक नहीं पढ़ पाए? नहीं। मेरे प्रिय दामाद राजू तुम्हारे सास ससुर। अरे भैया पढ़ दीजिए। मेरे प्रिय दामाद राजू तुम्हारे सास और ससुर के तरफ से ये खत तुम्हारे धर्म पत्नी। अरे भैया पढ़ दीजिए भैया। मेरे प्रिय दामाद राजू तुम्हारे सास और ससुर के तरफ से ये खत तुम्हारे धर्म पत्नी ने कल सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया है। अरे लुंगी डांस लुंगी डांस कहीं नहीं रहे हो ना। Thank you.
आप सब ने देखा पढ़ाई लिखाई नहीं करने का क्या नतीजा होता है। हम छोटे छोटे बात में दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। इसी के लिए अपने बच्चे को पढ़ाइए और उसको ना कि उसको अपना घर का काम में काम कराइए। धन्यवाद।